हम एक से दो हो गए और दो से तीन। जुड़वा के तीसरे पार्ट बनने की तैयारी होने वाली है शुरू। ना ही सलमान न तो वरुण बल्कि टाइगर आएंगे नजर। दोस्तों आप सब तो जानते ही हो कि जब जुड़वा रोल की बात होती है तो सबसे पहले डेविड धवन का निर्देशित और सलमान खान और वरुण धवन की फिल्म याद आ जाती है, जुड़वा एंड जुड़वा 2। आपको बता दें कि दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचाया था, इसीलिए फैंस को इसकी तीसरी कड़ी का काफी बेसब्री से इंतजार था। लेकिन अब फैंस का इंतजार खत्म होने वाला है। जी हाँ, आपको इससे रिलेटेड एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं, पूरा वीडियो जरूर देखना। आपको बता दें कि जुड़वा और जुड़वा 2 की सफलता के बाद अब मेकर्स ने इसके तीसरे पार्ट को बनाने का फैसला किया है। जुड़वा 3 1997 में आई सलमान खान की फिल्म जुड़वा का तीसरा पार्ट है। सूत्रों की माने तो साजिद नडियाडवाला जुड़वा 3 को लेकर काफी एक्साइटेड भी है, और ऐसा कहा जा रहा है कि जुड़वा की सीरीज की सफलता के बाद जुड़वा 3 भी बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल करने वाली है। दोस्तों जुड़वा में सलमान खान थे तो वहीं जुड़वा 2 में वरुण धवन ने लीड रोल में काम किया था, तो लोगों को लगा कि जुड़वा 3 में भी सलमान या वरुण में से कोई होगा, पर ऐसा नहीं है। जुड़वा 3 में इन दोनों की बजाय टाइगर का नाम सामने आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि डेविड धवन इस बार टाइगर के साथ जुड़वा 3 को करना चाहते हैं, और टाइगर के अपोजिट में मुख्य भूमिका के लिए सारा अली खान, अनन्या पांडे या जानवी कपूर को लेने की बात चल रही है, तो वहीं सेकेंड रोल के लिए दिशा पटानी का नाम सामने आ रहा है। लेकिन इससे जुड़ी कोई भी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। अब बात करें फिल्म की तो जुड़वा कितनी हिट फिल्म थी ये बताने की जरूरत शायद नहीं है। तो वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार 65 करोड़ के बजट में बनी जुड़वा 2 फिल्म ने 200 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। अब बात करें वर्क फ्रंट की तो टाइगर श्रॉफ अभी फिल्म हीरोपंती 2 में नजर आने वाले हैं। सलमान खान फिल्म कभी ईद कभी दिवाली तो वरुण धवन जुग जुग जियो में दिखाई देंगे।